वेलकम शीतल सिंह जी, वेलकम वेलकम वेलकम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या शीतल सिंह जी, अगर कोई बंदा है ना दुनिया जिन्हें इन्ने जबरदस्त काम किए, वो है शीतल सिंह। थैंक यू सर। यार तेनू मेरी लख लख बधाई है यार, यार बहुत शानदार काम किया तू, रूह खुश किया। और जिस तरीके नाल सारे कोरोना काल से सेवा की, ओहो जिसले कई परिवारों के बच्चे अपने माता पिता की डेड बॉडियां छड़ गए, उस वक्त असी देखिया कि शमशान घाटा दे शीतल सिंह कला सेवा दे रहा है। भाई तेनों लख लख मुबारक है, लख लख मुबारक है तेन शीतल सिंह। शीतल सिंह तेनों मुबारक है, तेरे मम्मी पापा नूं मुबारक है, तेरे मम्मी डैडी नूं मुबारक है, माता रानी की चुनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सच विच बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत मुबारक है, लख लख बधाई देना, मुबारक देना। और ये सच्चा काम, ये काम तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने दसिया सानू, ये काम देश धर्म का समाज का काम जिहड़ा तुसी कीता ना, मेरे को शब्द नहीं है कि मैं जिस दे नाल तुहाडी तारीफ करा। जिस वक्त बच्चे भी अपने माता पिता नूं और सके रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदारां दियां डेड बॉडियां कोरोना के इस मुश्किल हालात के हस्पिटलों से छड़ के आ गए, उस वक्त दुनिया ने देखा कि कोई शीतल सिंह है जिहड़ा हत्थां ते चुक के ते लोकां दा अंतिम संस्कार किया, शमशान घाट साफ किए। भाई मैं तुहानूं लख लख मुबारक, बहुत मुबारक है शीतल सिंह, बहुत मुबारक है। वाहेगुरु तेनू लंबी उम्र दे, वाहेगुरु माता रानी तुहानूं खुशी दे, वाहेगुरु की कृपा, माता वैष्णो देवी माता बावे वाली दा आशीर्वाद, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज जी की कृपा तुहाडे उपर, तुहाडे परिवार उपर हमेशा बनी रहे। मैं यही उस अकाल पुरख के अगे तुहाडे वास्ते अरदास करदा। बहुत सर, बहुत बहुत सत श्रीकाल। मैं थैंक्स करता हूँ रविंदर रैना जी का, जिन्होंने मुझे आज इतना प्यार दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपनी लाइफ में कि मुझे इनसे इतना आशीर्वाद मिला और प्यार मिला। और मैं इनका दिल से गहराइयों से मैं रविंद्र रैना जी का, बड़े भाई जी का थैंक्स करता हूँ कि मुझे जो इन्होंने इतना प्यार दिया। और मेरे पास अभी लफाज नहीं है इनका थैंक्स करने का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंसानियत और मानवता का जो पैगाम, जो प्यार रविंद्र भाई जी बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इनका सुनता हूँ। और मैं इनका थैंक्स करता हूँ जो इन्होंने मुझे प्यार दिया। सरदार शीतल सिंह जी जेडे एक बहुत ही होनहार नौजवान और एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे समाज सेवक ने, हमने देखा कि जब कोरोना के मुश्किल काल में एक बहुत आपत्ति काल, विपत्ति काल आया, और कभी कभी हॉस्पिटलों के अंदर हमने देखा कि जब इस कोरोना वायरस की भेंट कुछ लोगों की जिंदगियां चली गई, और सगे रिश्तेदारों ने भी कहीं कहीं जब खबर आती थी कि सगे रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदार को हॉस्पिटल के अंदर छोड़ के वो चले गए, उस वक़्त शीतल सिंह जैसे नौजवान अपने घर से निकले, जान हथेली पर रखकर कोरोना वायरस से लड़ते हुए न जाने कितने ऐसे परिवारों की मदद की इन्होंने, और कितने ऐसे लोग जो संसार को छोड़ के चले गए कोरोना वायरस के संक्रमण से। और जब उनको जलाने वाला, उनकी उनके पार्थिव शरीर को कोई अग्नि देने वाला नहीं था, उस वक़्त शीतल सिंह जैसा एक नौजवान जो कि हमारी एक शान है, वो खड़े हो गए। और इन्होंने पिछले 2 सालों में बेहतरीन सेवा का कार्य किया है। मैं शीतल सिंह जी को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, इनके माता पिता को मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने इस होनहार नौजवान का लालन पालन किया और इसको इस प्रकार की शिक्षा दी कि आज ये हम सब के लिए एक प्रेरणादायी नौजवान शीतल सिंह बना है। मैं शीतल सिंह जी के माता पिता को भी बधाई देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको चरण वंदना करता हूँ, शीतल सिंह जी के माता पिता जी को। और शीतल सिंह जी को
मुबारक देता हूँ और वाहेगुरु जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज और अकाल पुरख से प्रार्थना करता हूँ, माता बावे वाली माँ वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करता हूँ कि शीतल सिंह जी इसी तरीके से देश और धर्म की सेवा करें। भगवान ईश्वर अकाल पुरख इनको लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दे, ताकि ये देश और धर्म की सेवा करते रहें और आने वाली नौजवान पीढ़ी को एक प्रेरणा देते रहें कि किस तरीके से निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा की जाती है।